आज हमारी हेयर ग्रोथ सीरीज का लास्ट और तीसरा दिन है। इससे पहले मैं आप लोगों को दो और पार्ट इसके दे चुकी हूँ, आज थर्ड पार्ट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हेयर केयर सीरीज को अगर आप लेते हैं चैलेंज की तरह, 2 से 3 महीने इसका यूज करते हैं, तो आप अपने बालों से बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चाहे आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके सालों से ग्रोथ रुकी हुई है, आपके बाल लंबे नहीं बन पा रहे हैं, अगर आपकी एक एज हो चुकी है या 40-45 हो चुकी है और उसके बाद भी आप अपने बालों को ज्यों का त्यों रखना चाहते हैं, तो इस हेयर केयर सीरीज को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक टीन एज में और अभी अभी आपने अपने बालों की केयर करना शुरू ही किया है और आपको समझ नहीं आया ना कि आपको ऑयल कौन सा लगाना है, शैम्पू, टोनर, पैक कौन सा लगाना है, तो ये हेयर ग्रोथ सीरीज आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि अगर आप इस सीरीज को करते हैं तो आप अपने बालों से हर एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को आपका ऑयल दिया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को आपका शैम्पू दिया था, और आज है आपका थर्ड पार्ट जिसमें मैं आप लोगों को आपका टोनर देने जा रही हूँ। अगर आप इस टोनर को लगाते हैं तो डेफिनेटली आपके बालों से बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। कल परसों मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि हमें कोई एक ऐसा टोनर बताइए जो हमें फ्रिज में ना रखना पड़े, क्योंकि फ्रिज हमारे पास है नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के घर में नहीं होता या फिर कोई हॉस्टल में रहता है तो वहाँ पर फ्रिज नहीं होता है। तो आप इस टोनर को बना के स्टोर करके बाहर ही रख सकते हैं। कितने दिन तक और कैसे वो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। आशा करूंगी कि ये हेयर ग्रोथ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती हूँ। ऐसे वीडियो लेके आती हूँ जो वाकई में काम के होते हैं, जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को तक उस DIY को पहुँचाती हूँ। तो आज का टोनर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, कट कर लिया है, और इसका जो छिलका है एक साइड का वो मैंने उतार दिया। एक कटोरी के अंदर ग्रेटर के साथ हम इसका जूस निकाल लेंगे, यानी इसका जेल निकाल लेंगे। आपको यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज करना है, क्योंकि फ्रेश सबसे बेस्ट होता है। अब अगर आप पैकिंग वाला यूज करते हैं, सालों से यूज करते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलता है, तो आप पैकिंग वाला वैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ कि आप पैकिंग वाला यूज करें। मैं आप लोगों को बोलूँगी एक प्लांट लेके आएँ, घर पर उगाएँ, और एलोवेरा तो ऐसी चीज़ है कि जब चाहे बालों पर लगाएँ और जब चाहे आप अपनी स्किन पर लगाएँ। इसने मेरे बालों को इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना शाइनी बना दिया है, इतना लंबा बना दिया है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप एलोवेरा जेल लगाना शुरू कर देते ना, तो आपको बालों में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के बाल लंबा करना चाहते हैं, आप टीन एज में हैं, तो एलोवेरा जेल से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी हेयर जर्नी को। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से, आप देख सकते हैं लगभग ये 2 से 2.5 चम्मच होगा एलोवेरा जेल। लेकिन आपको इसके अंदर ये जो ग्रीन इसके पार्ट दिख रहे हैं, आपको इसे ऐसे यूज नहीं करना है। हम इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और इसके अंदर डालेंगे, जो है आपका ग्रीन टी। मैंने क्या किया, ग्रीन टी को गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया। ग्रीन टी ने अपना पानी जो कलर है वो छोड़ दिया। ये जो हमारी हेयर ग्रोथ सीरीज रही है, आपने देखा होगा अगर आपने ट्राई किया होगा कि तीनों ही पार्ट में हमने ग्रीन टी का यूज किया है, क्योंकि ये ग्रीन टी हेयर केयर चैलेंज है। ग्रीन टी आपको लेके आनी है और तीनों ही पार्ट में हमारी ग्रीन टी यूज हुई है। ग्रीन टी एक ऐसा हब है जो आपके बालों की लाइफ को, उसकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। मतलब कि जितनी फास्ट तरीके से आनी चाहिए उतने फास्ट तरीके से नहीं आते, उसको स्लो डाउन कर देता है, और आपके बालों की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर है, बालों में शाइन नहीं है, बाल लंबे नहीं बन रहे हैं, बाल काले नहीं हो रहे हैं, ब्लैक स्टेंट चाहिए, डैंड्रफ नहीं जा रहा है, इतनी ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये ग्रीन टी सॉल्व कर देगी। तो उसके बाद क्या करना है, ग्रीन टी पानी के अंदर जो हमारा जूस था वो आपको ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना उसको, बिल्कुल अच्छे से। अगर आप ग्रेट करके जेल निकालेंगे ना, तो वो पानी जैसा बन जाएगा, जेल जैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए ग्रेट करके निकालिएगा और अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करना है, मिक्स करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पानी बन के तैयार हो गया ग्रीन टी और एलोवेरा पानी, इसको हम छान लेंगे। ओके, तो छान के कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का पानी आपके पास आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको एक स्प्रे बोतल में भर लेना है, ठीक है ना। आप चाहें तो हाथ के साथ लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रे बोतल में भर के लगाएंगे तो ये आपके बालों की हर एक जड़ में जाएगा और अच्छे से ये फैल जाएगा। हाथ के साथ लगाएंगे तो ये उतना नहीं, मतलब अच्छे से नहीं लगा पाएंगे आप, हर एक जड़ में नहीं जाएगा, हर एक बाल के ऊपर नहीं जाएगा। तो इसीलिए 5 रुपए की मिल जाएगी स्प्रे बोतल अगर आप लेके आते हैं। तो स्प्रे बोतल में भर के आपको क्या करना है, आपने ऑयल लगा लिया, आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद हम बालों को सुखा लेंगे हल्का सा, ठीक है ना। जब हल्के हल्के से आपके गीले बाल होंगे तो ये जो आपका टोनर हमने बनाया है इसे आपको उठाना है और अपने बालों पे अच्छे से लगा लेना है।
आप इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं और आप इसको अपनी पूरी हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपके बाल शाइनी बनेंगे और आपका जो हेयर फॉल होता था शैम्पू करने के बाद वो भी हल्का फुल्का आपको रुका मिलेगा। ओके, तो ये टोनर आपको अपने बालों पे लगाना है, बिल्कुल अच्छे से लगाना है, मसाज नहीं करनी है क्योंकि बाल अभी गीले हैं, हमने वॉश किए हैं, इसीलिए सिंपली आपको इसे लगा के बालों पे छोड़ देना है और बालों को अच्छे से सुखा लेना है। ओके, अब कमेंट्स उठाते हैं कि आपके कमेंट्स क्या क्या आने वाले हैं। क्या हम इस टोनर को लगाने के बाद अपना कोई भी हेयर ऑयल यहाँ पे यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली तरीके से जब आप ये टोनर लगाएंगे, सुखाएंगे, सुखाने के 20 मिनट बाद आप जो भी ऑयल लगाते हैं वो ऑयल आप यहाँ पे लगा लेंगे। आई बात समझ में? अगर आप ऑयल नहीं भी लगाते हैं ना, तो भी आप इस टोनर को रखिए 3-4 दिन के लिए, जब तक कि आप नेक्स्ट शैम्पू नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बालों में नहीं होगा। अगर आपके बाल में ग्रीसीनेस है, चिपचिपाहट है, आपके बालों में ऑयल है, यकीन मानिए 3 दिन तक आपको आपके स्कैल्प पे ना तो कोई डैंड्रफ दिखेगा, ना ऑयल दिखेगा और ना ही कोई ग्रीसीनेस दिखेगी। यह 3 दिन तक आपके बालों को इतना ही फ्रेश रखेगा कि आपको लगेगा कि जैसे मैंने आज ही शैम्पू किया है। बिल्कुल फ्रेश बना के रख देगा आपके बालों को और जो आपकी प्रॉब्लम है स्कैल्प की उनको ट्रीट करेगा और आपके बालों को लंबा, अच्छा, शाइनी और हेल्दी बनाना शुरू करेगा। उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में है तो फ्रिज में रखिए, अगर फ्रिज नहीं है तो आप इस टोनर को बाहर रख सकते हैं लगभग 1 वीक तक। 1 वीक तक ये खराब नहीं होने वाला है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और अगर आपको लगता है कि ये हल्की सी इसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है या फिर हल्की सी वाइटनेस इसमें अगर आपको दिखती है, तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, मतलब कि 4 दिन तक तो ये बिल्कुल डेफिनेटली, मैंने यूज किया था तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप इसको स्मेल करेंगे, अगर आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। और वैसे 7 दिन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से, तो फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो 7 दिन के लिए डेफिनेटली आप इसको स्टोर करिए। अगर 7 दिन में आपको हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस आती है, इसमें से स्मेल आती है, तो आप इसको यूज मत कीजिएगा, दोबारा से बनाइएगा और दोबारा से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस हेयर ग्रोथ, इस हेयर केयर चैलेंज को आप लीजिए, अच्छा खाइए, सप्लीमेंट लीजिए, न्यूट्रिशंस की मात्रा अच्छे से रखिए अपनी बॉडी में। चाहे आप 55 के हैं, 60 के हैं, आपके बाल जैसे थे ना 30 की उम्र में, वैसे ही आपके बाल बने रहेंगे अगर आप अच्छे से खाना खाएंगे, सप्लीमेंट लेंगे, अपने बालों का केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये हेयर केयर, ये था हमारा लास्ट पार्ट। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई है और आप इसको करेंगे भी। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।